नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं नए स्टाइल में मैगी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मैंने रखा नारियल का खोपड़ा। देखिए आज मैं किस स्टाइल में इसको बनाती हूँ। मैंने डाला पानी, उसके बाद में स्टार्ट, अब पानी गर्म होने लगा है धीरे धीरे धीरे। हम आँच को गर्म करेंगे, कम करेंगे, यानी आँच को धीमी आँच फास्ट दोनों करते रहेंगे। और अब गर्म होने जा रहा है पानी, हमारा हल्का गुनगुना हो गया है। अब हम ठंडा गरम देख रहे हैं, गरम हो गया है ऐसे, कैसे गरम हो रहा है ना। ये देखिए हमने मसाला डाल दिया है, मैगी मसाला। गरम होने के बाद में बस रुकी रहिए, दिल थाम के बैठिएगा। अब हम मैगी डालने वाले हैं, चेक कर रहे हैं गरम हुआ, हो गया। अब हम डालेंगे मैगी। ये देखिए मैगी पे मैगी, क्या बेहतरीन स्टाइल है सरिता केसरवानी का। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो कर ही दीजिएगा। और देखिए मैगी किस स्टाइल में बनाई जा रही है, न्यू स्टाइल में, न्यू तरीके से। आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा और खाइएगा और इसका लुत्फ़ उठाइएगा। और हाँ, नारियल का खोपड़ा फेंकिएगा मत, रखिएगा संजो करके। इसमें नई नई वैरायटी बनाइएगा। देखिए मेरे पानी खोलने लगा है, देखिए देखिए खोल रहा है ना मैगी हमारा। इंतज़ार का फल मीठा होता है, रुकिए, लेकिन यहाँ तीखा हो रहा है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है अभी से ही। वाओ, जायका सरिता केसरवानी नए स्टाइल में लेकर के आई है। देखिए अच्छा लग रहा है ना। इसी स्टाइल को आप भी बनाइएगा, इसी स्टाइल में बनाइए और खाइए। अग्नि को कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। धीरे धीरे तेजी तेजी से मैगी हमारी उबलने लगी है, मुंह में हमारे पानी आने लगा है। अरे बन जाओ जल्दी से, हम से सब्र नहीं हो रहा है। जब मुझसे नहीं हो रहा है तो वाह, आप लोगों से भी नहीं हो रहा होगा। मेरे मुंह से तो लार टप टप चू रहा है, आपके मुंह से लार टपक रहा है पता नहीं, लेकिन मुझे देख करके बड़ा अच्छा लग रहा, आनंद आ रहा है। ये नारियल का खोपड़ा है, देखिए गैस को हम तेज धीमा कर रहे हैं। अब बस हमारा होने जा रहा है, हमारी सबकी मैगी, हमारी मैगी। मैं चेक कर रही हूँ कि पक गई है कि नहीं पक गई है। हाँ, पकना स्टार्ट हो गई है। अच्छे से मैगी को पकाएंगे ना, तभी तो खाएंगे। अब गैस को हम बंद करेंगे। अब इसमें हम धनिया को चॉप करेंगे, छोटी छोटी बारीकी से कट करेंगे इसको। ये चॉपर है यानी कटर है, धनिया कटर। देखिए कितना अच्छा बारीकी से कट गया हमारा धनिया। अब इसमें हमने ऐड कर दिया, बस अब रेडी हो गया है हमारा मैगी बन करके। दोस्तों आप सभी जानते हैं मैं मैगी कितनी बड़ी दीवानी हूँ,
तो आज मैंने बनाया है नारियल के खोपड़े में मैगी। देखिए धुआं निकल रहा है, ये गर्मा गर्म है, लेकिन मजबूरी के उसको मैं हाथ में नहीं पकड़ सकती, बहुत गर्म है, इसलिए मैंने कटोरी लगाई और प्लेट लगा करके ली हूँ। साथ में तो धनिया वगैरह सब पड़े हैं, बस खाने भर की रेडी हूँ मैं तैयार। थोड़ा ठंडा हो जाए नहीं तो मेरा मुंह जल जाएगा। मुंह में तो पानी आ रहा है, आपके आ रहा है ना? तो बनाइए नारियल के खोपड़े में, फेंकिएगा मत नारियल का खोपड़ा, उसमें चाय बनाइए, मैगी बनाइए, जो मर्जी करे वो बनाइए, पूड़ियाँ भी तल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ठंडा हुआ, वाह बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत धुआं निकल रहा है। अब आप भी खाइए, एंजॉय करिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, लाइक सब्सक्राइब।